हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है वो आपके 2021 की वार्षिक परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, दूसरा जो हमारे बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं उसमें जो 20% अंक हम विद्यालय से भेजते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के, यदि उसका 100 नंबर का पेपर है तो हमारे विद्यालय से उसके 20 नंबर भेजे जाते हैं, और यदि यही एग्ज़ाम 70 नंबर का है जैसा कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, इनमें प्रैक्टिकल होता है तो इनका जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का और सैद्धांतिक 70 नंबर का होता है, तो इसमें 14 नंबर जो हैं वो हमारे विद्यालय से भेजे जाते हैं। तो उनका आधार क्या रहेगा, इस बार कैसे सेशन मार्क्स किस बेस पर भेजे जाने हैं उसको लेकर, दूसरा जो मेन बात है आपकी जो छोटी कक्षाएं हैं 6ठी 7वीं 8वीं, तीसरी चौथी पांचवीं, पहली और दूसरी, इनका आंतरिक मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना है, इसके लिए दिनांक 8 दिसंबर 2020 श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें उन्होंने कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परीक्षाओं को लेकर, 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए और पहली और दूसरी के विद्यार्थियों के लिए एक सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें मुख्य जो पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद सर्कुलर भी मैं आपको दिखा दूंगा पूरा, आप उस सर्कुलर के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सर्कुलर जब भी देखना चाहें उसे आसानी से देख सकें, पढ़ सकें, और इसी तरह का अपडेशन जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दे ताकि जो भी अपडेशन 2021 की परीक्षा के लिए सर्कुलर या अपडेशन निदेशक महोदय द्वारा जारी किया जाएगा, बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा, RSIRT द्वारा जारी किया जाएगा, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करें हम सबसे पहले बोर्ड परीक्षाओं को 10वीं और 12वीं को लेकर, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जो 20% नंबर स्थ्रांक के जाते हैं उनका जो आधार रहेगा वो रहेगा इस बार की होमवर्क की नोटबुक। तो सभी अध्यापकों को जैसा कि पता है कि 18 सितंबर को श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि अभिभावक की सहमति से विद्यार्थी अपनी जिज्ञासा समाधान के लिए विद्यालय आ सकता है। तो अभिभावक के लिए एक सहमति पत्र जारी किया गया था, तो अभिभावक द्वारा वो सहमति पत्र भरकर विद्यालय में जमा करवाना था और विद्यार्थी जो थे वो अपनी जिज्ञासा समाधान के लिए विद्यालय आ सकते थे। तो जो विद्यार्थी विद्यालय आ रहा है उसे विषय अध्यापक द्वारा गृह कार्य दिया जाना है, प्रत्येक विषय अध्यापक द्वारा उसे गृह कार्य दिया जाना है, हर विषय की एक गृह पुस्तिका यानी नोटबुक वो विद्यार्थी संकलित करेगा, संधारित करेगा, उस नोटबुक में अपना कार्य करेगा और वो कार्य जो है वो विषय अध्यापक जांच करेगा। जांच करने के बाद जैसे ही परीक्षा शुरू होने वाली है वार्षिक परीक्षा, उससे पहले वो नोटबुक विद्यालय में सबमिट होगी और उसी नोटबुक के आधार पर ही वो 20% अंक जो हैं यानी 100 नंबर के लिए 20 नंबर और 70 नंबर वाले पेपर के लिए 14 नंबर विद्यार्थी को उसी नोटबुक के आधार पर ही मिलने वाले हैं। तो पहली बात तो ये कि हर विषय की एक नोटबुक विद्यार्थी संधारित करेगा, तैयार करेगा, वो नोटबुक विषय अध्यापक द्वारा जाँच की जाएगी और परीक्षा से पूर्व वो नोटबुक विद्यालय में जमा की जाएगी, उसी के आधार पर ही उसके 20 नंबर भेजे जाने हैं। दूसरी बात इस बार के प्रश्न पत्र की, 9वीं से 12वीं तक इस बार जो प्रश्न पत्र आपका पूछा जाना है, 9वीं से 12वीं तक जो प्रश्न पत्र आपका आना है उसमें मैं बता दूं आपको, इस बार
बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ए ब स द वाले प्रश्न भी पूछे जाने हैं जिसका एक विकल्प सही होगा, यानी कि जिसको हम पहले न्यू टाइप बोलते थे कि न्यू टाइप आएगी 15 नंबर की या 10 नंबर की, तो इसी तरह का पैटर्न इस बार लागू किया जाएगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। ए ब स द उसमें चार विकल्प होंगे, एक विकल्प उसमें सही होगा। उस बहुविकल्पीय प्रश्नों के बाद पेपर को तीन भागों में बांटा जाएगा, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक। तीनों में ही अथवा का ऑप्शन होगा, विकल्प का ऑप्शन होगा आपके पास, या फिर इस तरह से वो प्रश्न बनाए जाएंगे। जैसे मान लो अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 12 प्रश्न दे दिए हमारे को और बोल दिया गया कि कोई 10 करें, 12 में से कोई 10 प्रश्न करें, तो इस तरह की व्यवस्था जो है इस बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पत्र में की जानी है। तीसरी बात आपकी आती है प्रायोगिक परीक्षा की, तो प्रायोगिक परीक्षा के लिए जो श्रीमान निदेशक महोदय की गाइडलाइन सर्कुलर परिपत्र जारी किया गया है, उसमें संस्था प्रधान को यह दायित्व सौंपा गया है कि जितनी उसकी लैब कैपेसिटी है, जितनी लैब कैपेसिटी है, जैसे 20 विद्यार्थी एक लैब में खड़े हो सकते हैं, तो आधे से कम विद्यार्थी यानी 20 विद्यार्थी खड़े हो सकते हैं, तो 10 या 10 से कम विद्यार्थी ही एक साथ उस लैब में जाएंगे, यानी आधे से कम ही भेजे जाने हैं। और कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह मेंटेन करते हुए विद्यार्थी जो हैं वो अपना प्रैक्टिकल कार्य करेंगे, और सप्ताह में एक बार एक विद्यार्थी जो है वो लैब में प्रवेश करना चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। और जो भी प्रैक्टिकल का सिलेबस बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि आपको पता है हमारे बोर्ड ने 40% सिलेबस की कटौती कर दी है और 60% सिलेबस ही वार्षिक परीक्षा में आएगा, तो उसी 60% प्रैक्टिकल का जो मैटर है उसमें से 10 प्रयोग ही एक विद्यार्थी करेगा, 10 प्रयोगों में से ही उससे प्रश्न पूछा जाएगा, 10 प्रयोगों में से ही उसे प्रैक्टिकल की कॉपी भरनी होगी, तो 10 एक्सपेरिमेंट एक विद्यार्थी को करने हैं और उन्हीं 10 में से ही उसका प्रश्न पत्र जो है प्रायोगिक परीक्षा के लिए निर्धारित किया जाएगा। अब 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 15 नंबर तो उसकी प्रैक्टिकल फाइल के, रिकॉर्ड के, मौखिक वगैरह के होंगे और बाकी 15 नंबर का प्रश्न पत्र जो है वो तैयार होगा। इसके अलावा अगर कोई और गाइडलाइन या कोई और चेंजेस आते हैं तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगा, तो फिर निवेदन करूंगा। मैं सब्सक्राइब कर दें मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि इस तरह का अपडेशन आपके पास पहुंचता रहे। और सिलेबस जो बोर्ड ने कटौती की है 40% सिलेबस की, वो आपको बोर्ड की साइट पर, विभागीय साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। उसका लिंक भी, हर सब्जेक्ट वाइज लिंक, जैसे हिंदी अंग्रेजी में क्या हटाया गया है, क्या बचा है, सब्जेक्ट वाइज लिंक जो है वीडियो बनाए हुए हैं मेरे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है वो भी देख सकते हैं ताकि आपको एक्स्ट्रा ना पढ़ना पड़े। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो विषय मैंने अपलोड कर दिए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स है, ये सब्जेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ इन सब्जेक्टों के लिंक जो हैं वो आपको, इन सब्जेक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं कि आपके सिलेबस के अंदर क्या क्या रिमेनिंग है, क्या क्या बचा है 2021 की परीक्षा के लिए। तो ये मेन बातें थी 9 से 12 को लेकर। अब बात करें हम 6 से 8 की। सर्कुलर भी मैं आपके सामने रख दूंगा अभी थोड़ी देर में, तो आप लोग वो सर्कुलर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात कर रहा हूँ मैं 6 से 8 को लेकर। 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए विभाग द्वारा एक कार्य पुस्तिका तैयार की गई है। यही नियम राजकीय के साथ साथ गैर राजकीय विद्यालय यानी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स पर भी लागू होने हैं, सेम टू सेम यही रूल्स। तो कार्य पुस्तिका जो है वो आप विभागीय साइट से डाउनलोड करें, प्रत्येक विद्यार्थी तक वो कार्य पुस्तिका पहुँचाएँ, होमवर्क दें, होमवर्क की नोटबुक और वो कार्य पुस्तिका, और इसके अलावा हर विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार किया जाना है। तो होमवर्क नोटबुक हो गई, दूसरा कार्य पुस्तिका हो गई, और तीसरा पोर्टफोलियो का रिकॉर्ड आप लोग विद्यालय में रखेंगे प्रत्येक विद्यार्थी का, जिसके 6ठी से 8वीं की परीक्षा के लिए
आपको 40 अंक निर्धारित किए गए हैं और 10 नंबर का होगा उनका मौखिक और शेष बचा 50 नंबर वो होगी उनकी लिखित परीक्षा। तो ये छठी से आठवीं का सर्कुलर है, कुछ ऐसा ही सर्कुलर जिसमें आंतरिक मूल्यांकन के अंक बढ़ाते हुए तीसरी से पांचवीं के लिए जारी किया गया है, जो आपको परिपत्र में दिख जाएगा। उसमें आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 50 नंबर का किया गया है, 10 नंबर की मौखिक परीक्षा और 40 नंबर की लिखित परीक्षा की गई है। और पहली और दूसरी के बच्चों को इस बार क्रमोन्नत करने के लिए किसी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं होने का प्रावधान है। उनका गृह कार्य, पोर्टफोलियो और वर्कबुक ही उनकी कक्षोन्नति का आधार होगी। अभी तक जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें मेन मेन बातें यही बताई गई हैं। अब एक नज़र हम लोग सर्कुलर पर भी डाल लेते हैं। निदेशक महोदय द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया है उसका पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको सारा वो सर्कुलर क्लियर कर दूंगा और आप उस सर्कुलर के स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि आपकी इस बार की परीक्षा मई में होनी है, मई में प्रस्तावित है और प्रैक्टिकल जो है वो मुख्य परीक्षा के बाद होने प्रस्तावित है। और इसमें भी बता दूं मैं आपको, मई में जो परीक्षा होनी है उसका जो मॉडल पेपर है वो 15 जनवरी के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो जाएगा कि किस प्रकार से वार्षिक पेपर आपका पूछा जाना है, कैसे उसमें प्रश्न आने हैं, बहुविकल्पीय है, अति लघुतरात्मक है, लघुतरात्मक है, निबंधात्मक है। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या कम कर दी गई है और उनके स्थान पर बहुविकल्पीय प्रश्न जोड़ दिए गए हैं। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक सब में आपको एक विकल्प मिलने वाला है, या तो अथवा का और या फिर इनमें से, जैसे 12 में से कोई 10 करे, 8 में से कोई 5 करे, इस तरह का विकल्प जो है वो हमारे विभाग द्वारा विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है। तो अब एक नज़र निदेशक महोदय द्वारा जारी किए गए सर्कुलर पर। साथियों और स्टूडेंट्स, ये परिपत्र निदेशक महोदय द्वारा 8 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी अभिभावक की सहमति से विद्यालय आ सकते हैं। 18 सितंबर को ये निर्देश जारी किया गया था निदेशक महोदय के द्वारा। और इस बार की परीक्षा कक्षा 9 से 12 हेतु किस आधार पर ली जानी है उसमें ये बिंदु बताए गए हैं। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये तो कक्षा 9 से 12 हेतु जिज्ञासा समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए अभिभावकों की सहमति से विद्यालय आने वाले कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त विद्यालय आने के दौरान सप्ताह भर के लिए गृह कार्य दिया जाएगा। तो ये मैं बता दूं आपको, जो भी विद्यार्थी जिज्ञासा समाधान के लिए अभिभावक की सहमति से विद्यालय आ रहे हैं उन्हें होमवर्क दिया जाना है पूरे सप्ताह भर का। सभी विद्यार्थियों को होमवर्क पहुंचाना हमारी मॉरल ड्यूटी है, होमवर्क दिया जाना है। निदेशक महोदय के आदेशानुसार होमवर्क जो है वो हर विद्यार्थी को दिया जाएगा। अब विद्यार्थी की ड्यूटी रहेगी कि वो विषयवार अपनी नोटबुक लगाएगा, एक वो नोटबुक ही आधार होगी इस बार 20% अंकों का। अगले पॉइंट पर चलें, दूसरे पॉइंट पर, प्रदत्त गृह कार्य हेतु विद्यार्थी अपनी विषयवार नोटबुक संधारित करेगा, यानी विषयवार नोटबुक लगानी है, होमवर्क की कॉपी लगानी है उसे, जिसे साप्ताहिक रूप से जांचा जाएगा। तो वो नोटबुक जो है वो अध्यापक द्वारा जांच भी की जानी है। विषय अध्यापक विद्यार्थी की जिज्ञासा समाधान के अतिरिक्त, यानी जिज्ञासा समाधान, समस्या समाधान तो करना ही करना है, इसके अलावा गृह कार्य देने और जांच कार्य भी आवश्यक रूप से विषय अध्यापक द्वारा किया जाना है, यानी होमवर्क भी देगा और उसका काम भी जांचेगा। विषय अध्यापक जो है वो 2020-21 की परीक्षा के लिए जिज्ञासा समाधान करेगा, होमवर्क देगा, उसकी जांच भी करेगा। अब 2020-21 में अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि बोर्ड ने जो पाठ्यक्रम संक्षिप्त किया है, 40% पाठ्यक्रम जो है वो हटा दिया गया है, तो 60% पाठ्यक्रम में से ही आपका पेपर आएगा। तो वो बोर्ड की साइट पर, विभाग की साइट पर अवेलेबल है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है, विषयवार जो भी सिलेबस काटा गया है, 10वीं के 12वीं के वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, जो भी परिपत्र विभाग द्वारा जारी किए जा रहे हैं, निर्देश जारी किए जा रहे हैं, उनके वीडियो आपको YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहुंचता रहे। तो विभाग की साइट पर वो जो संक्षिप्त पाठ्यक्रम है, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि क्या पाठ्यक्रम जो है वो हटाया गया है, कम किया गया है। इसी पर आधारित परीक्षा ही इस बार होनी है। अगली कक्षा, अगला पॉइंट जो है कक्षोन्नति, यानी अगली कक्षा का आधार जो है वो वार्षिक या बोर्ड परीक्षा ही होगी, यानी 9वीं से 12वीं के बच्चों को पेपर देना होगा, वार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा होनी ही है। और इसमें अगले पॉइंट के अंदर क्लियर किया गया है 20% अंक जो आंतरिक मूल्यांकन के और 80% अंक जो लिखित परीक्षा के निर्धारित हैं वही आधार रहेगा। जैसे जिनमें केवल सैद्धांतिक पेपर होता है 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, उसमें से 20 नंबर यहां से भेजे जाते हैं। 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इंग्लिश के 20 नंबर यहां से भेजे जाते हैं। इसके अलावा जिनमें प्रायोगिक विषय होता है, जो प्रायोगिक सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इनमें 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल होता है, कंप्यूटर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, चित्रकला, तो इनमें प्रैक्टिकल रहता है 30% का और 70% की थ्योरी रहती है। जैसे मान लो केमिस्ट्री का मैं एग्जांपल लूं तो 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर की थ्योरी होती है। 70 नंबर के 20% नंबर अगर आप देखें, 20% अंक आप देखें, तो 14 नंबर यहां से भेजे जाते हैं विद्यालय से। उसका जो आधार होगा वो यहां से स्थिरांक भेजने का, वो आपकी गृह कार्य पुस्तिका ही होगी। जो होमवर्क आप लोग कर रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है, विद्यार्थी ध्यान दें कि वो होमवर्क बहुत जरूरी है, तभी आपके 14 नंबर विद्यालय से भेजे जाएंगे। अदरवाइज वो 14 नंबर जो है वो विद्यालय नहीं भेज पाएगा आपके, या हिंदी इंग्लिश के जो 20 नंबर आपके विद्यालय से जाते हैं वो उसी गृह कार्य की पुस्तिका के आधार पर ही भेजे जाएंगे। वो पुस्तिका आपको विद्यालय में जमा करानी होगी, तभी आपके वो स्थिरांक जो है वो विद्यालय से जाएंगे। तो अगले पॉइंट में आप लोग क्लियर कर सकते हैं, वार्षिक या बोर्ड परीक्षा में 20% आंतरिक मूल्यांकन के अंक का आधार विद्यार्थी द्वारा संधारित गृह पुस्तिका ही होगी, जो परीक्षा से पूर्व विद्यालय में जमा कराई जाएगी। कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी जो है वो प्रायोगिक विषयों में यह गृह कार्य आधारित आंतरिक मूल्यांकन निर्धारित प्रायोगिक अंकों के अतिरिक्त शेष अंकों का 20% होगा। यानी जैसे 70 नंबर का पेपर है आपका, ओवरऑल 70 नंबर का पेपर होता है, शेष 20% अंक जो जाते हैं, यानी 14 नंबर जो विद्यालय से जाते हैं, उसका यह आधार होगी गृह कार्य पुस्तिका। और जो 20 नंबर आपके जाते हैं जिन विषयों में विद्यालय से, उनका भी आधार ये गृह कार्य पुस्तिका ही रहेगी। इसलिए गृह कार्य पुस्तिका जो है वो अपनी रेगुलर मेंटेन करें, आप लोग उसे जांच करवाएं समय समय पर। उसके बाद हम चलें, प्रायोगिक विषय हेतु प्रावधान। तो प्रैक्टिकल के लिए जो प्रावधान है उसके पॉइंट में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, कक्षा 11 व 12 के जिन विषयों में प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है उन विषयों के विद्यार्थी जिज्ञासा समाधान हेतु विद्यालय आने के साथ प्रयोगशाला की क्षमता के अनुरूप एक बार में एक प्रयोग का अभ्यास कर प्रायोगिक कार्य की तैयारी करेंगे। तो यह भी मैं बता दूं आपको, ये संस्था प्रधान का दायित्व सौंपा है विभाग ने कि जैसे मान लो लैब कैपेसिटी 20 की है, लैब कैपेसिटी हमारी 20 की है, तो उसके आधे या उससे कम विद्यार्थी ही एक बार लैब में जाएंगे। यानी अगर लैब कैपेसिटी 20 की है तो आप 10 या 10 से कम विद्यार्थी ही लैब में भेजेंगे, ताकि COVID-19 की जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव हो सके। और जो सिलेबस निर्धारित है प्रैक्टिकल का, उसका भी मैं वीडियो बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस आपका निर्धारित है, उनमें से कोई से 10 प्रयोग आपने इस बार एक विद्यार्थी को करवाने हैं। उन 10 प्रयोगों में से ही प्रैक्टिकल जो है, फाइनल प्रैक्टिकल जो है वो लिया जाएगा। तो एक तो लैब क्षमता के आधे विद्यार्थी भेजे जाने हैं लैब के अंदर, सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर दिया जाए एक विद्यार्थी का। जैसे मान लो 10 विद्यार्थी एक दिन आप बुला रहे हैं, तो उनका जो समय है वो निर्धारित किया गया 2 घंटे का, यानी एक विद्यार्थी लैब में एक बार 2 घंटे एंटर करना जरूरी है, प्रैक्टिकल उसको 2 घंटे करना है, एक सप्ताह में एक ही प्रैक्टिकल करना है विद्यार्थी ने, तो 10 प्रैक्टिकल आपने उसको करवाने हैं। उस 10 प्रैक्टिकल में से ही उसका वार्षिक पेपर जो है वो पूछा जाएगा। तो आगे देख सकते हैं आप दूसरे पॉइंट में, संस्था प्रधान द्वारा मार्गदर्शन के लिए आने वाले कक्षा 11
से 12 के विद्यार्थियों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के विषय के विद्यार्थी को कम से कम सप्ताह में एक बार प्रयोगशाला में प्रायोगिक कार्य का अवसर प्राप्त हो सके। संस्था प्रधान द्वारा प्रायोगिक कार्य हेतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रयोगशाला में किसी भी एक समय में प्रयोगशाला की क्षमता से आधे से कम विद्यार्थी ही उपस्थित हों। जैसे 20 की लैब कैपेसिटी है तो 10 से कम विद्यार्थी होने चाहिए, 10 से ज्यादा विद्यार्थी उसमें नहीं होने चाहिए, ताकि COVID-19 की गाइडलाइन की पालना हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके। विद्यार्थी को प्रायोगिक कार्य हेतु 2 घंटे का समय उपलब्ध करवाया जाकर विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम में से 10 प्रायोगिक कार्य करवाए जाएं, यानी 10 प्रैक्टिकल इस बार करवाए जाने एक विद्यार्थी को, और उसकी भी पुस्तिका संधारित की जाए, यानी प्रैक्टिकल फाइल लगाई जाएगी विद्यार्थी के द्वारा। विषयवार चयनित 10 प्रायोगिक कार्य अंतिम प्रायोगिक परीक्षा का आधार होंगे। विद्यालय उक्त 10 प्रायोगिक कार्य को चिन्हित कर तैयारी करवाएंगे और इस कक्षा स्तर के लिए प्रायोगिक परीक्षा का जो आयोजन है वो मुख्य परीक्षा उपरांत किया जाएगा, यानी मई के बाद इस बार प्रैक्टिकल होने की संभावना है। बाकी विभाग द्वारा जैसे ही सर्कुलर जारी किया जाएगा उसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अभी संभावना है कि मई के बाद ही प्रैक्टिकल होंगे। प्रायोगिक परीक्षा बोर्ड या विभाग द्वारा विषय हेतु निर्धारित अंक की होगी। जैसे 30 नंबर का प्रैक्टिकल बोर्ड ने निर्धारित कर रखा है तो 30 नंबर का ही प्रैक्टिकल होगा, लेकिन उसमें से 50% अंक यानी 15 नंबर आपकी प्रायोगिक पुस्तिका के होंगे, प्रैक्टिकल फाइल के होंगे, और 15 नंबर के प्रैक्टिकल आपको दिए जाएंगे उस अंतिम प्रायोगिक परीक्षा के अंदर। गैर सरकारी विद्यालयों पर भी यही पैटर्न लागू होगा, गैर सरकारी विद्यालयों पर यानी प्राइवेट स्कूल पर भी यही पैटर्न लागू होगा जो गवर्नमेंट स्कूल पर लागू किया गया है। अब बात करें प्रश्न पत्र के पैटर्न की, 2020-21 में प्रश्न पत्र कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बार बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे, ABCD से प्रश्न आएंगे इस बार, ABCD 4 ऑप्शन वाले प्रश्न आने हैं इस बार, और अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न में भी आंतरिक चयन का विकल्प उपलब्ध करवाया जाएगा। आंतरिक चयन के ब्रैकेट में लिखा हुआ या तो अथवा आएगा या फिर कोई दो, जैसे मैंने आपको बताया 12 प्रश्न दे दिए उसमें से कह दिया कोई 10 किए जाएं, तो इस तरह के प्रश्न इस बार अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक में पूछे जाने हैं। इसी प्रकार निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या भी कम की जानी है, तो निबंधात्मक कम आएंगे, उस निबंधात्मक के अंक जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव में या फिर अति लघुतरात्मक में वो सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा बोर्ड द्वारा या विभाग द्वारा। उसके बाद भाषा आधारित विषयों में जो हिंदी और अंग्रेजी के पेपर होते हैं उनमें पठित और अपठित यानी सीन और अनसीन गद्यांश यानी पैसेज, सीन और अनसीन पैसेज इस बार सम्मिलित किए जा रहे हैं परीक्षा के अंदर, और उसमें भी विकल्प उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है विद्यार्थियों के लिए, पैसेज में भी खूब प्रश्न पूछे जाने हैं इस बार। और जो मॉडल प्रश्न पत्र है वो विभाग की वेबसाइट पर या बोर्ड की वेबसाइट पर 15 जनवरी 2021 के उपरांत उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो जैसे ही विभाग द्वारा कोई नया सर्कुलर जारी होता है वो मेरे YouTube चैनल पर आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। अब कक्षा 6 से 8 हेतु, जैसा कि आपको ध्यान है, आओ घर में सीखे स्माइल 2 कार्यक्रम जो है वो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। 2 बजे के बाद घर घर जाकर विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाना है और विद्यालय स्तर पर एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाना है विद्यार्थी का, वही आधार रहेगा इस बार विद्यार्थी को अगली कक्षा में कक्षोन्नति का। तो ये ध्यान रखें, और इसके अलावा स्क्रीनशॉट आप ले लें और सारे बिंदु जो है वो 6 से 8 हेतु आप आराम से पढ़ लें कि क्या सिस्टम रहेगा 6ठी से 8ठी का। मोटी मोटी बात मैं बता चुका हूं आपको कि आओ घर में सीखें, आओ घर में सीखें ही जो कार्यक्रम है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसी से ही विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, और कार्य पुस्तिकाएं सरकार ने दी हैं, वो कार्य पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को बांट दी गई हैं, उसमें विद्यार्थी जो है वो कार्य कर रहे हैं, पोर्टफोलियो विद्यालय पर तैयार किया जाना है। और 6ठी से 8ठी के लिए भी वार्षिक परीक्षा होगी ही होगी, कक्षोन्नति का आधार जो है वो अंतिम या वार्षिक परीक्षा ही होगा, और 40% अंक जो है वो पोर्टफोलियो आधारित होंगे, कार्य पुस्तिका आधारित होंगे,
40 नंबर इस बार विद्यालय से भेजे जाने हैं, तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है छठी से आठवीं के विद्यार्थियों के लिए कि आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 40 नंबर का होना है। आंतरिक मूल्यांकन 40 नंबर का होना है, जिसका आधार जो होगा वो आपका यही पोर्टफोलियो और कार्य पुस्तिका ही होगी। और सिलेबस जो है वो संक्षिप्त कर दिया गया है बोर्ड के द्वारा या विभाग के द्वारा, जो कि हमारा SRSCERT द्वारा जो पाठ्यक्रम लागू किया जाता है उसने जो डिपार्टमेंट ने संक्षिप्तीकरण कर दिया गया, पाठ्यक्रम जो है वो शॉर्ट कर दिया है, हटा दिया है 50% पाठ्यक्रम, तो वो भी आप जो है विभागीय वेबसाइट पर देख सकते हैं, नहीं तो मेरे YouTube चैनल पर बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा सारा सिलेबस। शेष 60% में से 10% अंक मौखिक परीक्षा और 50% अंक लिखित परीक्षा के रहेंगे। यानी मान लो 200 नंबर का पेपर होता है या 100 नंबर का पेपर होता है, तो 40 नंबर तो वो पोर्टफोलियो वाले या कार्य पुस्तिका के होने हैं, 10 नंबर का उसके बाद 10 नंबर का मौखिक होना है और 50 नंबर की लिखित परीक्षा होनी है। आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बोर्ड परीक्षा का ही आयोजन होना है और अंक जो है वो विभाजन उसी आधार पर होगा। यानी विद्यालय से इस बार आठवीं के विद्यार्थियों के लिए 40 नंबर जाने हैं। प्रश्न पत्र पैटर्न में कक्षा 9 से 12 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तन किया जाएगा। तो 9 से 12 में जो प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार परिवर्तन किया जाएगा। यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक और निबंधात्मक में अथवा पूछा जाएगा और पैसेज भी आ सकते हैं। आंतरिक मूल्यांकन के लिए गैर सरकारी विद्यालयों पर भी यही पैटर्न लागू किया है गवर्नमेंट ने, यानी प्राइवेट स्कूल पर भी यही पैटर्न रहेगा। और विभागीय वेबसाइट पर कार्य पुस्तिका उपलब्ध करवाई गई है, उसका उपयोग भी गैर सरकारी स्कूल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद चले हम ऑनलाइन शिक्षण, जो नहीं ले रहे हैं विद्यार्थी उनको गृह कार्य उपलब्ध करवाया जाना है। और अब अभिभावकों को कम से कम विद्यालय बुलाया जाए ताकि कोविड 19 की पालना हो सके। विद्यालय में विद्यार्थियों को या अभिभावकों को नहीं बुलाया जाना है होमवर्क के लिए, घर जाकर होमवर्क देना है। अब कक्षा 3 से 5 हेतु, कक्षा 3 से 5 हेतु भी आओ घर में सीखें कार्यक्रम ही चल रहा है। यहां भी अंतिम परीक्षा या वार्षिक परीक्षा ली जानी है, कार्य पुस्तिका यहां भी उपलब्ध करवाई गई है, पाठ्यक्रम संशोधित किया गया है 50% तक, पोर्टफोलियो तैयार करना है, वही सेम सिस्टम यहां रहेगा। लेकिन इसमें आपको मैं बता दूं 50% अंक जो होंगे वो पोर्टफोलियो गृह कार्य या कार्य पुस्तिका के होंगे। छठी से आठवीं के लिए वो अंक 40% थे, लेकिन पहली से पांचवीं के लिए वो अंक 50% कर दिए गए हैं और 10% अंक मौखिक परीक्षा के और 40% अंक ही लिखित परीक्षा के होंगे। यानी 50 नंबर आपने उसी कार्य पुस्तिका, गृह पुस्तिका या पोर्टफोलियो के देने हैं, 10 नंबर का मौखिक होना है और 40 नंबर का लिखित पेपर होना है। और पांचवी के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा ही ली जाएगी, सेम यही पैटर्न प्राइवेट स्कूल के लिए भी रहेगा। तो यहां भी विभाग की वेबसाइट पर जो कार्य पुस्तिकाएं अवेलेबल हैं उसका यूज जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद चले कक्षा 1 से 2 हेतु, तो कक्षा 1 से 2 हेतु जो कार्य पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को दी गई हैं वो कार्य पुस्तिकाएं विद्यार्थी ने पूरी करनी है और कार्य पुस्तिका के आधार पर ही विद्यार्थी को क्रमोन्नत किया जाएगा। तो यहां आंतरिक मूल्यांकन होगा और पेपर जो है वो नहीं होने की संभावना है। पूरी कक्षा 1 से 2 के विद्यार्थियों के लिए एग्जाम नहीं होगा और वो जो गृह कार्य, कार्य पुस्तिका और पोर्टफोलियो है वही निर्धारण होगा आपके अगली कक्षा में जाने का। तो ये विभाग द्वारा परिपत्र जारी किया गया है, पूर्ण परिपत्र के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। 8 दिसंबर 2020 को श्रीमान निदेशक महोदय द्वारा यह परिपत्र जारी करके पूरी गाइडलाइन हमें क्लियर कर दी गई है कि 2021 की परीक्षा के लेकर, और जैसे ही अगला कोई सर्कुलर परिपत्र जारी होता है वो मेरे YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे साथियों ने ये वीडियो देखा है, यदि उसको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला अपडेशन भी आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।